हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल कवर करना चाहते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो हैक हो चुकी थी और कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो पर्सनल डाटा था उसको डार्क वेब पे $250 के लिए सेल पे लगाया गया था। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। 1 million कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डेटा पुट ऑन सेल ऑन डार्क वेब। पर्सनल डेटा ऑफ 1 million स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी पुट ऑन सेल। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसको हैक किया गया था एक हैकिंग फोरम के ज़रिए। उस हैकिंग फोरम का नाम है विक्टर लस्टिंग। उन्होंने एक इंडेक्स शेयर किया था कि उनके हाथ कौन कौन सा डाटा लग गया था। तो उस इंडेक्स के मुताबिक उन्होंने कम से कम 1 million स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो बाकी दीगर स्टाफ है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, उनका डाटा उनके हाथ लग गया था। ये जो मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स जो उन्होंने शेयर किया था। और यहाँ पे लिखा है कि ये जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का डाटा है, इट वाज़ पुट ऑन सेल फॉर $250। और ये जो हैकर फोरम है इनका नाम है विक्टर लस्टिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा यहाँ पे अभी जूम करूँगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सेलिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डेटाबेस, आप देख सकते हो, अबाउट टारगेट, डेटा ब्रीच्ड, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जो कुछ भी है इनके हाथ लगा था। तो क्या है कि ये जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, क्या लूपहोल्स हो सकते थे, कैसे हैक हो गई थी, व्हाट कुड बी द रीजंस व्हाई दिस हैज़ बीन हैक्ड, हमें इस चीज़ के साथ टच नहीं करना है। हमें ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी है। इन्होंने लिखा है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो 1 million स्टूडेंट्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हमने डार्क वेब पे बेचने के लिए डाला है जस्ट फॉर $250। तो यहाँ पे बात जो हो रही है इस वक्त, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे उभर रहा है, दैट इज़ डार्क वेब। तो आज मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अगर हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इसी डार्क वेब के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि जो भी कंटेंट हम एक्सेस कर पाते हैं थ्रू नॉर्मल ब्राउज़र्स लाइक क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, ओपेरा, जितने भी ब्राउज़र्स हम यूज़ करते हैं उनके ज़रिए जो भी हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट से देख सकते हैं, दैट्स कैटेगराइज्ड अंडर सरफेस वेब। तो वेब एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है सरफेस वेब और दूसरा होता है डीप वेब। डार्क वेब डीप वेब का एक पार्ट होता है, याद रखना। डार्क वेब इज़ ए सबसेट ऑफ डीप वेब। तो दो के दरमियान हमें कंपैरिजन देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ सरफेस वेब, जो आपको दिखता है ऊपर, और जो नीचे आपको नहीं दिखता है इट इज़ कॉल्ड डीप वेब। एंड समटाइम्स दिस डीप वेब इज़ कॉल्ड हिडन वेब और इट इज़ कॉल्ड इनविजिबल वेब। तो इसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके हाथ लगती है, लाइक आप अभी इंटरनेट पे देखोगे, गूगल या फेसबुक आप चलाते हो, वेबसाइट्स जो भी आपको मतलब आपके ब्राउज़र से ओपन होती है, विकिपीडिया आपके ब्राउज़र से ओपन होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो आप एक्सेस कर पाते हैं, यूट्यूब एक्सेस कर पाते हैं, ब्लॉग्स एक्सेस कर पाते हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर कैटेगराइज्ड अंडर सरफेस वेब। तो डीप वेब के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखना है हमें। देखिए, डीप वेब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो है नेट बैंकिंग, रिसर्च पेपर है, मेडिकल रिकॉर्ड जो होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कोई इलीगल इन्फॉर्मेशन होती है या कोई भी एनोनिमस इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक प्राइवेट नेटवर्क्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक बैंक क्रेडेंशियल, पासवर्ड्स होते हैं, स्कूल रिकॉर्ड्स होते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं बनाया जाता है, जिनको
इस तरह रखा जाता है बिकॉज इट इज इंटेंशनली पुट हिडन फ्रॉम द नॉर्मल सर्च ब्राउजर्स. जो नॉर्मल सर्च ब्राउजर होते हैं, सर्च ब्राउजर के माने हैं लाइक आप यूज़ करते हो क्रोम, आप यूज़ करते हो फायरफॉक्स, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो और उनके ज़रिए आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो. बट डीप वेब के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आती हैं हुज कंटेंट्स आर नॉट इंडेक्सड बाय वेब सर्च इंजन्स यू यूजुअली यूज़ इन योर नॉर्मल लाइफ. नॉर्मल लाइफ के अंदर हम क्रोम का यूज़ करते हैं, सफारी का यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं. ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है इन नॉर्मल ब्राउजर्स से. तो इसीलिए कहते हैं डीप वेब. इट इज़ इनविजिबल. सो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड, लाइक 96% जो इंफॉर्मेशन है वो डीप वेब में छुपी है. वी हैव ओनली 4% ऑफ डाटा एक्सेसिबल. कुल मिलाकर अगर हम दोनों पार्ट को देखेंगे, डार्क वेब को भी, डीप वेब को भी और सरफेस वेब को भी, सो डीप वेब सरफेस वेब दोनों मिलाकर बनाते हैं, उसको कहते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब. मगर वर्ल्ड वाइड वेब में दो हिस्से हैं, ऐसे समझो. एक है विजिबल पार्ट और दूसरा है इनविजिबल पार्ट. जो विजिबल पार्ट है उसको कहते हैं सरफेस वेब, दैट इज़ ओनली 4% विजिबल एंड 96% ऑफ द डाटा इज इनविजिबल और वी कैन सी इट इज़ हिडन. इट कैन नॉट बी एक्सेसिड थ्रू नॉर्मल. अब अगर बात की जाए डार्क वेब की, डार्क वेब एक वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट है जो डार्क नेट्स पे अवेलेबल है, ओवरले नेटवर्क्स पे अवेलेबल है, बट ये एक्सेसिबल नहीं है पब्लिकली. इट नीड्स सम स्पेसिफिक ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशंस और ऑथराइजेशंस टू एक्सेस. ऑलराइट, सो इसी तरह अगर हम देखेंगे जो डार्क वेब नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिमिनल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड, तो कंटेंट जो इस पे होता है इट इज ओनली अवेलेबल टू पर्सनल इनक्रिप्टेड और पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशंस. और ये जो डार्क वेब होता है इट इज़ नॉट रेगुलेटेड. जब ये रेगुलेटेड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका आईपी एड्रेस जो है ये इंटेंशनली हिडन रखा गया है. तो इसके ये फ़ायदे हैं कि ये जो डार्क वेब है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स यू एनोनिमिटी. एनोनिमिटी के माने हैं कि आपको कोई जानता नहीं है. अगर आप ये नहीं मतलब चाहते हो कि आपको कोई वेबसाइट पे देखें या आपको कोई वेबसाइट पे पहचाने, इट गिव्स एनोनिमिटी. सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस डार्क वेब. सो इट डिडंट गिव्स एनीवन एक्सेस टू ट्रैक योर लोकेशन. सो नो लोकेशन शेयरिंग, ये इसका और एक पॉइंट है. सो तीसरा पॉइंट ये है कि इट गिव्स नो नेटवर्क सर्विलेंस. कोई भी आपको नेटवर्क पे सर्विलेंस नहीं कर सकता है, वॉच नहीं कर सकता है. और प्राइमरी जो इसका यूज़ है दैट इज़ ओनली इट गिव्स यू एन एनोनिमिटी. सो मगर इसके बहुत सारे मतलब डिसएडवेंटेज है. समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज लाइक ट्राफिकिंग, लाइक सेलिंग ऑफ ड्रग्स और सम थिंग्स विच आर नॉट लीगली सेंक्शनड. उनको अगर हम सरफेस वेब पे लाएंगे तो सरफेस वेब में हम पकड़े जाएंगे. तो इस तरह जो ये थेफ्ट एक्टिविटीज़ है या जो इलीगल ट्रैफिकिंग, इलीगल सेल जो होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ का जो काम होता है, तो उस हिसाब से उस टाइम डार्क वेब का सहारा लिया जाता है. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो डार्क वेब है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिमिनल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड. सो इसी फोरम पे लगाया गया था कश्मीर यूनिवर्सिटी का डाटा और इसी फोरम के ज़रिए हमें ये पता चला कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो डाटा है इट इज़ पुट ऑन सेल फॉर जस्ट $250. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एनीवेज अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरह हेल्पफुल है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद दोज़ हु रियली नीड इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.